न्यूज नेशन थार के लॉन्च के बाद से ही इस गाड़ी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इंडियन ऑटो वाले मार्केट से। पहले नई थार लेने के बाद उसे कस्टमाइज करवाने की जरूरत पड़ जाती थी, लेकिन अभी जो नई थार आई है उसे कस्टमाइज करवाने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि ये बढ़िया फीचर्स के पैकेज के साथ लोडेड है और गाड़ी के लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो कि कार मॉडिफिकेशन का शौक रखते हैं, वो अपनी कार को मॉडिफाई करवा लेते हैं, लेकिन अभी के टाइम में ज़्यादातर मॉडिफिकेशन लवर्स अपनी कार को मॉडिफाई करवाने के बजाय उसे कस्टम बॉडी रैप करवा देते हैं। जैसे कि अभी थार व्हाइट कलर में नहीं मिलती है तो लोग व्हाइट कलर का बॉडी रैप करवा लेते हैं थार को। थार का एक ऐसा ही प्यारा सा बॉडी रैप हमें देखने को मिला है। इस बॉडी रैप के इमेज को अंकुश सहाय ने शेयर किया है। यहाँ पर न्यू जनरेशन थार को येलो कलर का बॉडी रैप किया गया है, जो कि देखने में काफी प्यारा लग रहा है। इसी के साथ ही इसमें बीच में फ्रंट ग्रिल पर और सर्कुलर हेडलाइट पर हमें सिल्वर कलर के एफेंट्स और फिनिश देखने को मिलती है, जो कि देखने में और ज्यादा प्यारी लग रही है। बाकी कार के इंटीरियर में भी इसमें सीट कवर को चेंज किया गया है और येलो कलर की स्टिचिंग वाली सीट कवर लगाई गई है, और देखने में भी ये कार के इंटीरियर के लुक को और ज्यादा इन्हांस कर रही हैं। मैकेनिकली कार में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि मैकेनिकल चेंजेस करने के बाद आरटीओ से अप्रूवल लेने में काफी ज्यादा पचड़ा रहता है। बाकी पर्सनली मुझे ये मॉडिफिकेशन काफी ज्यादा पसंद आया, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।